हाई गाइज वेलकम टू माई चैनल आई एम सिमरन चहानी आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश का चैप्टर द राइट्रैप ओके तो ये चैप्टर लिखा है सेलमा लागर लॉफ ने ये एक स्वीडिश राइटर है और ये अपनी जो भी स्टोरी लिखती है उसमें एक ही मैसेज देती है कि जो भी इंसान है हम उसके अंदर की गुडनेस बाहर निकाल के ला सकते हैं अगर कोई ईविल भी है तो उसके अंदर की जो गुडनेस है हम अपने एक सिंपल से एक्ट से भी बाहर निकाल के ला सकते हैं तो इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे एक रैट ट्रैप सेलर एक सड़क छाप इंसान जो चूहे के पिंजरे बेचता है कभी भीख मांगता है कभी कभी छोटी छोटी चोरिया करता है अपना पेट भरने के लिए उस इंसान के अंदर की इविलनेस निकाली एक स्वीट सी लड़की ने तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आई गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर मैं छोटी सी समरी नहीं दूंगी

सड़क छाप हम उन्हें कह देते हैं जिनका कोई घर नहीं है वो इधर से उधर बस घूमते रहते हैं एक पोअर वेगा बाउंड था वो क्या करता था लिविंग के लिए यानी कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो रैट रेटरप्स बेचता था रैट रैट्रैप होता है चूहे का पिंजरा हम रोटी लगाते हैं चूहे पकड़ने के लिए वो वो बेचता था तो वो कैसे बेचता था उसको वो बनाता था लोहे की तारों से उनको वो लोहे की तारे कभी वो बिग फार्म से ले आता था कभी स्मॉल फार्म से ले आता था जैसे तैसे करके वो लोहे की तारों से पिंजरे बना के बेचता था बट वो बिजनेस उसका प्रॉफिटेबल नहीं था उसको प्रॉफिट नहीं होता था तो कभी कभी उस बेचारे को भी भी मांगनी पड़ती थी अपना पेट भरने के लिए और कभी कभी उसे पेटी थी बड़े बड़े डाके नहीं डालता था छोटी छोटी चोरी भी उस बेचारे को करनी पड़ती थी टू कीप हिज सोल सोल एंड बॉडी टुगेदर यानी कि अपनी सोल को, अपनी आत्मा को 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 आत्मा अपने अपने शरीर से जोड़े रखने के लिए आप जिंदा रखने के लिए उसे कभी कभी चोरी भी करनी पड़ती थी ओके okay, एक दिन चलते चलते उसकी बहुत मोनोटनस लाइफ होती है बहुत ही परेशानी भरी लाइफ होती है कुछ एंजॉयमेंट नहीं होता उसकी लाइफ में वो एक दिन चल के जा रहा होता है और उसके दिमाग में एक थॉट आती है यहां पर हमें एक सड़क छाप इंसान की भी एक ट्रैम तक की साइकोलॉजी के बारे में बताया है बुक के अंदर कि कभी कभी ये लोग भी एक अन्य लेवल पर जाके सोच सकते हैं तो ये सोचता है द होल वर्ल्ड इज अ रेटरैप अब ये रेटरैप बेचता है ना तो इसको लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना ये चूहे का पिंजरा है जैसे चूहे के लिए हम बेट लगाते हैं बेट क्या होती है लालच अब आप मछली पकड़ने जाते हो तो कीड़ा लगाते हो और अगर आप चूहे को पकड़ना चाहते हो तो रोटी लगाते हो बाहर के देश के लोग चीज और पोक लगाते हैं तो कहता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना ये भी एक तरीके का रैटरैप है और हम सब सारे जो इंसान हैं वो चूहे हैं हम लोग किस बेट्स के पीछे पड़े हैं ये जो नदियाँ हैं ये जो लैंड्स हैं ये जो बड़े बड़े जॉब ऑफर्स आजकल बच्चों को मिलते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और क्या है जो कुछ भी जो चीज़ें होंगी दिस ऑल इज बेट्स जो हमें दी गई है और हम इसी रैट ट्रैप के अंदर घूमते रहते हैं जैसे इंडियन लोग कहते हैं ना सब मोह माया है तो वैसे ही सोच ये रखता है ये कहता है जैसा चूहा अपने रैट ट्रैप में फंस जाता है ना ऐसे ही जैसे ही इंसान पैदा होता है वो इस वर्ल्ड के प्रजेंट में वर्ल्ड रैट ट्रैप में घूमता रहता है कभी उसे अच्छी जॉब चाहिए कभी उसे अच्छे कपड़े चाहिए कभी उसे पैसा चाहिए हम सब लोग चूहे की तरह ही मटीरियलिस्टिक लाइफ में ही घूमते रह जाते हैं आजकल लोगों की लाइफ का मीनिंग नहीं होता है सिर्फ मटीरियल के लिए तो ही इज द द लाइफ लाइफ ऑफ ऑफ अ अ रैट टू ह्यूमन वो कहता है रैट चूहा जो है हमारा चीज के पीछे भागते वैसे लोग मटीरियल थिंग्स के पीछे भागते रहते हैं और ये पूरा वर्ल्ड क्या है एक रैट ट्रैप है ये उसकी थॉट थी इस पर जरूर एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी को लिखना है ओके okay, तो एक दिन डार्क इवनिंग में जब वो चल के जा रहा होता है बहुत अंधेरा हो गया होता है बहुत ठंड होती है तो वो एक घर पे जाके नॉक करता है ग्रे कलर के कॉटेज पे और उनसे पूछता है कि मुझे शेल्टर दे दो यूजुअली जब वो किसी के घर पे जाके शेल्टर मांगता था एक रात रुकने के लिए तो कोई भी हैप्पी नहीं होता था सब लोग सार फेसेस यानी कि गंदी शक्लें बना के उसे भगा देते थे, थे। बट उस दिन ऐसा नहीं होता है ग्रे कॉटेज के अंदर एक बूढ़ा आदमी रह रहा होता है जिसको बुक में क्रॉफ्टर बोला गया है वो बहुत खुशी से उसे अपने घर के अंदर बुलाता हैगा एंड वो उसको पॉरेज भी खिलाता है फिर उसके साथ बैठ के बातें करता है उसके साथ पाइप स्मोक करता है एंड उसके साथ बैठ के कर, ताश के पत्ते भी खेलता है तो वो ऐसा क्यों करता है बिकॉज देखो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत लोनली होता है ना उसके बच्चे हैं ना उसकी बीवी है तो वो अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए एक पेडलर तो को अपने घर के अंदर बुला लेता है एंड जैसे ही पेडलर उसके घर के अंदर जाता है वो उसको पहले गर्म गर्म पॉलिज खिलाता है फिर वो लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं पाइप पीते हैं उस जमाने में ना पाइप में डाल के स्मोकिंग होती थी तो वो अपना टोबैको रोल में से एक छोटा सा पीस काट के उसको देता है दोनों बैठ के पाइप पीते हैं और फिर जब ये सब हो जाता है तो जो बूढ़ा आदमी है उसको उसके से बैठ के बातें होती है तो वो अपना ताश के पत्ते निकाल के जाते हैं और वो एक गेम खेलते हैं मेजोलिस मेजोलिस गेम खेलते हुए लोग बातें कर रहे हैं मजे में तो जो हमारा जो बुरा आदमी था वो बताता है कि मैं रैम्प्स जो आयरन मिल के अंदर काम करता था उनके इलाके में एक आयरन की मिल थी आयरन मिल पता है ना आपको आयरन ओर से लोहा बनता है जिसके अंदर उस आयरन मिल में मैं क्रॉफ्टर की पोस्ट पे था अब वो वो हमारे पेडलर को बताता है कि मेरे तो बड़े अच्छे दिन थे मैं तो जवानी में बहुत पैसे कमाता था बट अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं आयरन मिल में काम नहीं कर सकता तो मैंने अपनी लिविंग के लिए मैंने अपना खर्चे पाने के लिए एक मिल्च काव रखी है एक काव रखी है जो दूध देती है और वो उसको बताता है मैं दूध बेच के अपने घर का खर्चा चलाता हूँ उसको बताता है हमारे पेडलर को मेरी काव जो है ना ऐसी वैसी नहीं है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध देती है और इतना ज़्यादा दूध देती है कि मैंने अभी लास्ट मंथ जो है ना थर्टी करोनर्स कमाए हैं थर्टी करोनर्स हमारे यहाँ करेंसी नहीं है करोनर्स मतलब आप समझ लो उसने थर्टी रुपीज़ कमाए हैं वो उसको बताता है कि मैंने अभी ना लास्ट मंथ थर्टी करोनर्स कमाएँगे तो पेडलर को यकीन नहीं होता भैया गाय का दूध बेच के उस जमाने में बहुत वैल्यू होती थी थर्टी की तो पेडलर को यकीन नहीं होता कि गाय का दूध बेच तो है, है, के थर्टी करोनर्स लेदर का पाउच टंग होता है उसमें उस से थ्री बिल्स निकालते हैं है, थ्री बिल्स ऑफ टेन क्रोनर्स तो समझ जाओ बिल्स किसको लिखा है नोट को बिल कहते हैं इंग्लिश में तो क्या हो गया दस दस के दस करोनर वाले नोट थे तो उसको दिखाता है देखो ये रहे ये मैंने कमाया अपनी गाय को गाय का दूध बेच के तो वो जो उसको वापस डालता है पाउच के अंदर और पाउच टांग देता है तो अब हमारे पेडलर को भी यकीन हो जाता है कि हाँ भैया इसने कमाए होंगे फिर वो बैठ के अपनी बातें करते हैं थोड़ी देर बाद जाके सो जाते हैं अब होती है सुबह सुबह होती है तो वो जो क्रॉफ्टर हैगा हमारा तैयार होकर जा रहा होता है अपने गाँव के साथ अपना मिल्क बेचने वगैरह के लिए तो हमारा जो पेडलर है वो सोचता है अब जब मालिक ही बाजार है तो मैं यहाँ सो के क्या करूँगा वो भी उठ जाता है दोनों उठते हैं बाहर जाते हैं क्रॉफ्टर घर का ताला मारता है अच्छे से और दोनों चले जाते हैं सब अपने दोनों अपने घर घर चले गए अब पेडलर जो है हमारा जो ये बाउंड जो है जो ट्रैम जो है क्या करता है आधे घंटे बाद वापस आता है हमारे ग्रे कॉटेज में क्रॉफ्टर के घर पे, और उसके घर के अंदर नहीं जाता है बस वो विंडो पे जाता है जो उसका पाउच लटका हुआ था जिसमें तीस करोनर थे उसको चुरा लेता है और भाग जाता है अब वो समय पे खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि मैंने तो बड़ी आसानी से चोरी कर ली है और वो सोचता है कि मैं पब्लिक हाईवे नहीं लूँगा क्योंकि पब्लिक हाईवे पे अगर मेरी तलाशी होगी तो मैं जेल जा सकता हूँ तो वो चुपचाप एक फॉरेस्ट का रास्ता पकड़ता है अपनी दूसरी जगह पर जाने के लिए अब वो सोचता है कि मैं फॉरेस्ट में से निकल के जाऊँगा पुलिस वुलिस का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में तो फॉरेस्ट में उसे बहुत ईजी लग रहा होता है बट आगे जाके वो फॉरेस्ट के अंदर खो जाता है ये डार्क दिसंबर की बात है दिसंबर में हमें पता है कितनी ठंड होती है और फॉरेस्ट के अंदर वो चलते चलते बिल्कुल थक जाता है है वो फॉरेस्ट एक नंबर का भूल भुलैया होता है वो जहाँ पे घूम रहा होता है वहीं पे आके वापस आ जाता है और काफ़ी देर चलने के बाद जो हमारा पेडलर है जो रैट ट्रैप सेलर है वो थक जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं आज खुद ही एक रैट ट्रैप के अंदर फंस गया हूँ उसको जो उसने थोड़े दिनों पहले एक बात सोची होती है उसको लगता है आज तो मैं खुद ही रैट ट्रैप में फंस गया हूँ ये जो फॉरेस्ट है ये मेरा रैट ट्रैप है मुझे बेट मिली वो थर्टी करोनर्स मैंने चोरी करी और अब मैं उसकी सजा भुगतूंगा मैं इसी फॉरेस्ट के अंदर मर जाऊँगा वो इतना थक गया होता है कि वो बैठ जाता है ज़मीन के ऊपर एंड ही फेल डेड लाइक सिचुएशन इनफैक्ट उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो मरने ही वाला है भूखा प्यासा बेचारा घूम रहा है तो उसके साथ ऐसा उसको फील हो रहा होता है वो चुपचाप ना सर रखता है जब जमीन के ऊपर तो उसको जैसे ही वो सर पर ज़मीन रखता है तो उसको आवाज़ आती है आयरन के और हैमर्स के बजने की उसको हथोड़े चलने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ की आयरन के ऊपर तो वो समझ जाता है कि आसपास में कोई आयरन मिल है और वो कौन सी आयरन मिलती वही रैम्स जो आयरन मिल थी जिसमें क्रॉफ्ट पहले ज़माने में काम किया करता था तो ही गैडर्ड स्ट्रेंथ उसके अंदर हिम्मत नहीं थी बट स्टिल वो अपनी सारी ग्रेंथ गैडर करके पहुंचता है आयरन मिल के अंदर अब आयरन मिल को बुक में फॉर्ज लिखा हुआ है वहाँ पे बड़े बड़े बेलोज बेलोज होते बड़े बड़े पंखे जिनसे फर्नीस चलती है बड़ा सा फणनीस चार कोर चल रहा है एक आदमी उसके अंदर शोवल से जो कोल है उसको घुमा रहा है एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था यानी कि लोहा बनाने वाला और उसके जितने भी चेले थे वो बैठे हुए थे और एक जना बारी बारी जाके जो लोहे का वो है उसको बार बार पिघला रहा था और उसको गोल गोल घुमा रहा था और बता रखी है सिचुएशन कैसा था रैम जो आयरन मिल के अंदर का सिचुएशन बहुत बड़ी बड़ी आवाजें आ रही थी और बाहर बारिश हो रही थी वाटरफॉल की भी आवाज हो रही थी और ऊपर छत की जो टीम थी उस पर पटपट आवाज आ रही थी तो इतनी आवाज के अंदर जो तो हमारा पेडलर है वो दरवाजा खोल के मिल की फॉर्ज फॉर्ज लिखा है इसको वो फॉर्ज के अंदर घुस जाता है और जो हमारा मास्टर ब्लैक है उसको दिखाई नहीं देता जब वो बिल्कुल ब्लैक के मुँह के आगे जाके खड़ा होता है तब ब्लैक को देखते है अच्छा कोई आ गया है तो वो उससे परमिशन लेता है कि आज रात को मैं यहाँ फंडेज के पास रुक जाऊँ बाहर बहुत ठंड है तो जब ब्लैक् स्मिथ है वो बस एरोगेंटली बाकी बुक में था है। वो बस गुस्से में कहो या फिर कोल्डली उसको ऐसे ही नॉट कर देता है कि हाँ रुक जाओ वो उसको ये भी नहीं कहता हाँ आप आराम से बैठ जाओ नहीं ही रिएक्टेड वेरी कोल्डली बिकॉज ब्लैक स्मिथ के लिए ये नॉर्मल सी बात थी रोजमर्रा में कोई ना कोई पेडलर्स आते रहते थे फर्निस से गर्मी लेने के लिए और वो एक रात ही वहाँ बिताते रहते थे तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी वो नॉट कर देता है और हमारा पेडलर को भी कोई शौक नहीं था ब्लैक स्मिथ से गप्पे मारने का वो आराम से जाके फर्निस के बराबर में लेट जाता है कैसे लेटता है वो वो लेता है अपने नीचे एक थोड़ा सा आयरन को पीस रख लेते हैं और मुंह पे स्लाउ छाँट रख के ही वेंट टू स्लीप अब क्या होता है वो जो आयरन मिल थी ना आयरन जो फौज थी उसका मालिक था आयरन मास्टर और वो जो आयरन मास्टर था ना उसको क्या था वो चाहता था कि वो पूरे के पूरे जो उसकी सिटी है जो उसकी कंट्री है उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का आयरन भेजे तो वो बार बार इंस्पेक्शन के लिए आता है जैसे प्रिंसिपल सर जाते हैं ना क्लास के अंदर इंस्पेक्शन के लिए वैसे ही आयरन मास्टर इंस्पेक्शन के लिए आता रहता था तो आयरन मास्टर्स नाइटली विजिट अब हमारा वो तो वेगा बाउंडस होया पड़ा है फर्नेस के बराबर में आयरन मास्टर आता है चेकिंग करने के लिए जब वो चेकिंग करने आता है पहले इधर उधर देखता है फिर उसकी

समय देखो एक गड़बड़ होती है जो हमारा आयरन मास्टर है जो मिल का ओनर है उसे लगता है कि जो वो पेडलर है अंधेरा हो रहा होता है और वो फर्नेस की इतनी डार्क लाइट होती है धुआं हो रहा होता है तो उसमें उसे लगता है कि वो जो पेडलर है वो उसका कोई पुराना दोस्त है तो यहाँ पर हमारी स्टोरी का मेन पार्ट स्टार्ट होता है वो उसके मुँह से उसकी हार्ट अटैक के बोलते हैं कैप्टन नील्स ओलफ इट्स यू ये क्या हालत बना रखी है तो यहाँ पर आप समझ गए कि वो जो है हमारा आयरन मास्टर वो उसको अपना पुराना दोस्त एक आर्मी का कैप्टन समझ रहा है और वो कहता है ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है अब पेडलर इस समय पे पेडलर भी चलाकी से बिहेव करता है वो अपनी आइडेंटिटी को डिनाई नहीं करता वो ये नहीं कहता नहीं भैया मैं कोई कैप्टन वैप्टन नहीं हूँ मैं तो बस रैट रैप सेलर हूँ नहीं अब वो क्यों नहीं कहता कि नहीं मैं कोई और तो वो इसलिए नहीं कहता बिकॉज देखो वो गरीब इंसान है उसे लगता है कि ये आयरन मिल का ओनर इतना अमीर इंसान अगर ये सोच रहा है मैं इसका दोस्त दोस्तों तो ये मुझ पे तरस खा के मुझे कुछ पैसे दे देगा कुछ क्रोनर्स दे देगा तो कोई बात नहीं इसे समझने दो कि मैं कैप्टन हूँ अब जो आयरन मास्टर है वो बहुत परेशान हो जाता है उसकी हालत देख के कहता है कि अगर मैंने रेजिमेंट में से रिज़ाइन नहीं करा होता तो आज तुम्हारी भी ये हालत ना होती तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो आयरन मास्टर है पहले ज़माने में किसी रेजिमेंट में काम करता होगा रेजिमेंट यानी कि वो सोल्जर की किसी पोस्ट पर था और वो हमारा पेडलर को एक कैप्टन समझ रहा था ठीक है तो यहाँ पे अब वो उसको अपने दोस्त से तरस आते हैं वो कहता है चलो यहाँ नहीं सुना तुमने लेट्स कम टू माय मेनर वो उसको अपने मेनर पे इनवाइट कर है ना व्हाट इज मेनर एक बहुत बड़ा सा बंगलो जैसा घर पे अपने इनवाइट करता है उसको कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं सोने दूंगा इन्वाइट करता है वो उसको मेनर पर कहता है कि क्रिसमस आ रहा है तो मेरे घर ही चलो अब प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पेडलर के उसे तो लग रहा था तरस कहाँ कुछ पैसे देते क भैया ये तो घर ही बुलाने लग गया तो जो हमारा ट्रैम्प है पेडलर है अब देखो बुक में ट्रैम्प बोला गया पहले वेगाबाउंड बोला था ट्रैम्प बोलेंगे तो ट्रैम्प जो है डिक्लाइन कर देता है Invitation. वो कहता है नहीं नहीं भैया मैं लायन के डेन में एंटर क्यों करूं मैं मुंह में हाथ डालू वो कहता है तो वो सीधा रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा अब जो आयरन मास्टर ये जो मेरा दोस्त है ना इसे शर्म आ रही है अपने हुलियो की वजह से कि वो इतना ऐसा ऐसा हो गया है तो इसलिए वो कहता है कि मेरा घर कोई इतना बड़ा नहीं है तुम चलो मर गई है मेरे बेटे अब्रॉड गए हैं बस मेरी जो बड़ी बेटी है हम लोग रहते हैं हम वैसी पे अकेला फील कर रहे थे हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तो दिस मीन्स हमें बता दिया यहाँ पे कि एलिजाबेथ जो आयरन मास्टर उनकी बीवी का नाम था उनकी वाइफ का नाम था अब भी जो हमारा ट्रैप में मना कर देता है उसको फंसना थोड़ी था वो कहते हैं नो नो मैं नहीं जाऊँगा और हार के जो हमारा आयरन मास्टर है वो मुड़ जाता है उसे लगता है नहीं मान रही है वो मुड़ जाता है अब आयरन मास्टर जब जा रहा होता है तो वो जो उसका मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है जेरोन स्ट्रॉम नाम बताया गया वो के अंदर वो उसको कहता है कि आज कैप्टन वॉन्स टेले तुम्हारे साथ ही रुकेंगे और जाते हुए हंसता है हल्का सा तो जो उसका ब्लैक स्मिथ होता है ना मास्टर ब्लैक स्मिथ वो समझ जाता है कि ये आयरन मास्टर के लास्ट वर्ड्स नहीं थे अभी भी दाल में कुछ काला है वो ऐसा कुछ करेंगे कि जो ये जो यहाँ पेडलर आके ये जो यहाँ लेटा है ये उनके घर पर आ जाए ओके तो अब आयरन मास्टर क्या करता है आधे घंटे के बाद ही एक कैरेज आती है फोर व्हील उसमें से आयरन मास्टर की बेटी आती है आयरन मास्टर की बेटी सुंदर नहीं थी बट मॉडिस्ट थी यानी कि बहुत काइंड इंसान लग रही थी वो अपने वैले के साथ आती है भैया अमीर लोग हैं वैले साथ में आया था और वैले के हाथ में था एक फर कोट वो आती हैं अंदर फॉर्ज के और वो देखती हैं कि वो जो पेटलर है वो आराम से सोया हुआ होता है उसने अपने सर के नीचे एक पिग आयरन रखा होता है और मुंह पे हैट डाल के सोया उताएगा ठीक है अब जो हमारी आयरन मास्टर की बेटी है वो उसके पास जाती है और उसके मुंह से उसकी हैट हटाती है उस समय पे जो हमारा ट्रैम्प है एकदम से खड़ा हो जाता है उसको बुक में लिखा है वो एक आँख खोल के सोता था अब एक आंख खोल के क्यों सोता था देखो जो सड़क किनारे लोग रहते हैं आपको पता है कितना डर होता है सड़क पे सोना कोई गाड़ी चला के ले जाए या फिर कोई उनको कुछ तंग करे तो इसलिए उसकी नींद बहुत कच्ची होती थी जैसे ही वो उसके मुंह पे से हाथ हटाती है वो एकदम से खड़ा हो जाता है घबरा के तो तब कहती है आई एम एडला विलियमसन वो उसे बताती है मैं एडला विलियमसन हूँ मेरे फादर ने मुझे भेजा है तुम्हें घर लाने के लिए आप आओ हमारे साथ क्रिसमस डिनर करना वो उसको इन्वाइट करती है किसको को पेडलर को और जब एडला उसको इन्वाइट करती है ना तो उसको उसकी आंखों में फियर दिख जाता है और एडला देखो इतनी समझदार होती है वो समझ जाती है कि ये जो मेरे फादर की फ्रेंड है वो तो उसको वही समझ नहीं होती है इन्होंने लगता है अभी अभी कोई चोरी करी है या कोई क्राइम करा है तभी ये हमारे घर में आने में डर रहे हैं तो एडला उनको एक विश्वास भी दिलाती है कि डोंट वरी आप हमारे घर चलो हम ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेट करना उसके बाद आप जरूर अपने जहां आपको जाना हो वहां जा सकते हो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे तो वो उसको एक कंसेंसिस दिलाती है कि क्रिसमस के बाद तुम चले जाना और वो समझ चुकी होती है समय कि इन्होंने ज़रूर कोई क्राइम कराएगा तो जो हमारा पेडलर है अब वो भी लड़की कह रही है मान जाता है वो भी कहता है कि ओके मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक आओगे मुझे लेने के लिए वो चलने लगता है बाहर जाता है वो जो वैली है वो उसको फर कोट देता है सुंदर सा और वो जो ट्रैम्प है हमारा वही अपने सड़े हुए कपड़ों के ऊपर वो जो फर कोट है पेन के कैरेज के अंदर बैठ के मेनर तक जाने लगता है बड़े से बंगलों तक जो वो वहाँ बैठ के जा रहा होता है ना उसे लगता है भैया मैंने क्यों थर्ट्टी करोड़ चुराए और और उसको अंदर से ना हमें बता देते, गट्स फीलिंग आती है कि, तो तो कि भैया फंसता जा रहा हूँ उसको एक इशारा लग रहा था कि मैं अब फंसने वाला हूँ अब वो पहुंच जाते हैं कुछ भी नहीं होता रात को वो सब सो जाते हैं अब सुबह का सीन हमें बताया हुआ है डॉटर और जो फादर है दोनों बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं जो हमारा आयरन मास्टर है ना वो फ्यूचर प्लान सोचते हैं अपने दोस्त के लिए उसे तो लग रहा है उसका वो उसका दोस्त आया उसके घर में कहता है अब मैं इसको इस हालत में नहीं रहने दूंगा मैं इसको कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा मैं इसे सड़कों पर रायट्राफ्स नहीं बेचने दूंगा उस समय पे उनकी जो डॉटर है वो अपनी कंसर्न दिखाती है वो कहती है मुझे कहीं से भी ये इंसान एजुकेटेड नहीं लग रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई कैप्टन होगा आई एम नॉट थिंकिंग दैट ही इज़ एजुकेटेड एट तो उस समय पे उसके फादर कहते हैं आयरन मास्टर जो, जो है वो कहते हैं कि तुम अभी अपनी होप मत खो अभी जब वो नहा धो के आएंगे ना तो उसकी सारी ट्रैम्पनेस निकल जाएगी वो कहते हैं कि वो उसके सड़क किनारे के, के कपड़े जो ट्रैम्प क्लोथ्स हैं ना जब अपने ट्रैम्प क्लोथ्स उतार देगा नहा धो के शेव वेव करके आएगा तो उसकी ट्रैम्पनेस भी खत्म हो जाएगी एंड यू विल सी अ रियल कैप्टन वो अपनी बेटी को आश्वासन देता है कि अच्छा सा मेरा दोस्त निकल के आएगा और अब मैं अपने दोस्त को सड़कों पर नहीं घूमने दूंगा उसको एक बिजनेस स्टार्ट करा के दूँगा एल गिव हिम अ प्रॉपर लाइफ अब नाउ आर गेस्ट एंटर और अब सब लोग शॉक हो जाते अब जो हमारा ट्रम्प है वो बिल्कुल ही तैयार होकर आता है जो वैल्यू होता है बट आयरन मास्टर उसको देख के प्लीज नहीं होते भैया अच्छा लग रहा है तो तुम खुश हो नहीं आयरन मास्टर ने जब रात के अंधेरे में उसे देखा तब तो वो समझे कि कैप्टन वॉन्ट स्टेल है वो बट जब उन्होंने सुबह के टाइम नहाया धोया देखा तो आयरन मास्टर को गुस्सा आता है वो समझ जाते हैं कि वो कोई और जोर की थंड चिल्लाते हैं वट इज दिस तो उस समय पे अब परंप जो है हमारा वो कुछ भी अपने आप को डिफाइन नहीं करता वो कहता है नथिंग हैपन टिल नाउ उसको कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है मैं तो कुछ भी प्रटेंड नहीं करा था आई वॉज जस्ट प्रटेंडिंग टू बी अ सिंपल राटराप सेलर मैंने तो कुछ नहीं कहा था आपको अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मैं अपने वो ट्रैप क्लोथ्स फेर से पहन के यहाँ से चला जाता हूँ तो वो अपनी गलती मान लेता है वो कहता है मैंने तो नहीं कहा था कि मैं कोई कैप्टन वैप्टन हूँ तुम्हें तो ज़बरदस्ती मुझे अपने घर पर लाए हो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मैं अपने कपड़े पहन के चला जाऊँगा अब इस समय पर जो आयरन मास्टर है ना उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थ्रेट देता है कि अब तो शेरफ ही बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या होना है शेरफ मतलब पुलिस और वही जिसका डर था हमारे राय ट्रैप सेलर को वही होता है आर मास्टर धमकी देता है कि वो पुलिस को बुलाएगा इस समय पे जो ट्रैप है उसे गुस्सा आता है वो अपना यूं फिस्ट बनाता है और मुक्का मारता है टेबल के ऊपर और जोर की बोलता है ये जो पूरा वर्ल्ड है ना ये एक रा ट्रैप है और हर कोई बेट डालता है अब हम जैसे पुअर फेलोज़ को फसाने के लिए वो कहता है तुमने मेरे आगे बेट रखी ये क्रिसमस डिनर एन और मैं तुम्हारे ट्रैप के अंदर फंस गया हूँ उसे कहता है कि अगर आज शरीफ मुझे ले जा लॉकअप में बंद करेगा ना तुम्हारी वजह से तो कल को सोच लेना तुम भी इसी तरीके से एक रातर आपके अंदर फंसोगे और तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसकी ये बात सुन के जो हमारा आयरन मास्टर है उसे बहुत जोर की हंसी आती है और वो कहता है वेल well सेड और वो इस समय पे थोड़ा पोलाइट हो जाता है आयरन मास्टर कहता है ठीक है आई विल लीव शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस मैं शरीफ को क्रिसमस पे अकेला छोड़ देता हूँ तुम बस अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से तो ट्रैम कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तो इस समय पे एडला इंटरविन एडला कौन है एडला जो आर्यन मासे की बेटी है वो जाके दरवाजा बंद कर देती है कहती है मैं नहीं जाने दूंगी इस ट्रैम को उससे पहले खुद समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रही है बट वो कहती है मैं नहीं जाने दूंगी तो उसका फादर कहता है ये क्या कर रही हो तुम स्ट्रेंजर को अपने घर पर थोड़ी रख लेंगे तो एडला सेट चाहे ये इंसान कोई भी चाहिए कोई हो चाहिए कोई कैप्टन हो चाहिए कोई रोड साइड पेडलर हो मैं सुबह से इतनी खुश हूँ कि मैं एक होमलेस इंसान को होम लाइक फ़ील कराऊंगी मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी तो वो कहती है कि हमने जब इसको प्रॉमिस करा है तो आज प्लीज़ आप इसे रोकने दो क्रिसमस के बाद इसका जहाँ जब मन चाहे वहाँ करे देखो क्रिसमस का मोटिव क्या है गुडनेस की लोगों के अंदर की अच्छाई बाहर निकल दो कहता है कि ये जो पेडलर्स होते हैं ना ये जो सड़क छाप लोग होते हैं इनका कोई घर नहीं होता अगर क्रिसमस के एक दिन इसे होम लाइक मैं फ़ील करा सकती हूँ तो कराऊंगी आज आज इसे रोकने दो तो उसके फादर भी मान जाते हैं उसके फादर उस समय पे कहते हैं यू प्रीच बेटर देन अ पार्सन तुम तो मिनिस्टर से भी ज़्यादा अच्छे से लोगों को कन्विंस कर लेती हो आयरन मास्टर भी मान जाता है चलो भैया ठीक है एक रात इसको यहाँ रुकने देते थे क्रिसमस ये यहाँ पे इंजॉय कर ले अब एडला जो हमारा पेडलर है वो भी सोच रहा था भैया क्या हो रहा है ये वो उसको अपना हाथ पकड़ के लेके जाती है डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और कहती है खाना रैम्स कुछ नहीं कहता बस खाना खाना स्टार्ट कर देता है अब वो अपने दिमाग में सोचता है ये तो पागल है लड़की इसने मुझे क्यों रुका लिया यहाँ पे नथिंग हैपेड देन क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है रैम्स जो के अंदर टाउन का नाम क्या है रैम्स जो रैम्स जो में क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा पेडलर है वो कोई भी ट्रबल नहीं करता वो कोई शैतानी नहीं करता वो क्रिसमस कैसे बनाता है विद द लॉन्ग लॉन्गार्स ऑफ स्लीप वो कुछ नहीं करता है, वो जस्ट स्लीपिंग तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जो पेडलर है देखो उसे आज तक चैन की नींद नहीं मिली थी तो रैम्स जो के अंदर उनके गेस्ट रूम के सोफे के अंदर वो इतनी सेफ्टी से इतने आराम की चैन की नींद रहा था बार बार वो कर क्या रहा था बस उनके घर में वो सो ही रहा था सबसे पहले जब क्रिसमस फेयर होता है वो उसको उठा के लाते हैं वो करके फेयर सो जाता है फिर वो लंच करने आता है फिर सो जाता है फिर शाम को क्रिसमस ट्री के ऊपर कैंडल्स एंड लाइट्स लगाने का कस्टम होता है वो उसके लिए उसको बुला के लाते हैं तो वो क्रिसमस ट्री पे लाइट्स वगैरह लगा के फिर अपना सोने चला जाता है एट नाइट अब आ गई है क्रिसमस ईव क्रिसमस ईव होती है क्रिसमस से एक दिन पहले तो वो समय पे वो एक बहुत अच्छा सा डिनर बनाते हैं फिश बनाते हैं पॉलिश बनाते हैं और उठा के लाते हैं ट्रैम्प को कि आके डिनर कर लो अब ट्रैम्प डिनर करता है चुपचाप अपना और वापसी पर जब रात हो गई है तो सबको गुड नाइट विश करता है जब वो गुड नाइट विश करता है तो एडला कहती है ये जो आपका सूट है और ये आप रख सकते हो ये मेरी फादर की तरफ से आपको क्रिसमस गिफ्ट हैगा एंड नेक्स्ट ईयर भी क्रिसमस पे आप हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं तुम जब चाहो क्रिसमस आके हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो तो इस समय पे हमारा ट्रम्प कुछ नहीं कहता है वो चला जाता है अपने कमरे के अंदर और अंदर से ट्रम्प भी इस समय पे खुश होता है दैट ये लोग मेरे से इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो क्रिसमस डे कम्प्लीट हो गया ख़त्म हो गया नेक्स्ट डे आफ्टर द क्रिसमस सुबह उठते हैं हमारे फादर एंड डॉटर और वो सोचते हैं वो ट्रैप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो दोनों गाड़ी में बैठ के मॉर्निंग सर्विस होती है क्रिसमस सर्विस यानी जो क्रिसमस की सुबह की प्रेयर होती है वहाँ पे गाड़ी में ओके okay, तो करीब करीब दस बजे वो लोग चर्च चले जाते हैं और जब वो चर्च से वापस आ रहे होते हैं तो वापसी पे इडला का फेस बहुत उतरा हुआ होता है वो गाड़ी में मुंह उतार के बैठी होती है अब क्यों बैठी होती है देखो चर्च में बात हुई और उन्होंने पता चला कि क्रॉफ्टर जो है जो नाम जो, जो मिल में पहले काम करता था उसके घर से एक रैड ट्रैप सेलर ने तीस करोनर चुराए हैं तो इस समय पर दोनों जो फादर डॉटर वो समझ जाते हैं कि उसी सेलर को उन्होंने अपने घर में जगह दी थी उसी स्ट्रेंजर के साथ उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करा और इडला को बहुत बुरा लगता है कि मैंने एक थीफ को अपने घर पर रखा था उस समय पर उसके फादर

प्रेजेंट देखती है प्रेजेंट बहुत अजीब से तरीके से पैक कर रखा होता है उसको जो मिलता है वो पैक कर देता है देखो जो हम बर्थडे प्रेजेंट होते हैं हम ऐसे पैक करते हैं अंदर का दिखाई नहीं दे जैसी एडला खोलती है उसे दिख जाता है एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है और उसके अंदर मुड़े हुए तीस करोना रखे होते हैं जो उसने चुराए होते हैं क्रॉफ्टर के घर से और एक लेटर होता है जो जैकड राइटिंग में लिखा होता है बहुत अजीब सी राइटिंग में लिखा होता है पिटलर की राइटिंग कैसे होगी इमेजिन कर लो लिखा होता है नोबल मिस उसको वो लिखता है नोबल मिस सेंस्यूर ट्रीटेड मैं एज ए रियल कैप्टन वो लिखता है जब तुम मेरे साथ पूरा दिन इतने अच्छे से रही तुमने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्वीट करा तो मेरा रिस्पॉस भी कैप्टन की तरह ही होगा मैं तुम्हें क्रिसमस वाले दिन एम्बेस नहीं होने दूंगा एक चोर से वो थर्टी करोड़ जो रुपीज़ है वो प्लीज़ तुम रिटर्न कर देना किसको? वो जो ओल्ड मैन को जिसने हमने खिड़की पे पैसे टाँग रखे कि मेरे जैसे गरीब लोग आएँ और उस ट्रैप के अंदर फंस जाए और ये कहता है ये जो राट ट्रैप है ना ये एक रैट की तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए उसको थैंक यू कहते हैं और लिखता है कि थैंक यू तुमने मुझे इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में बचने पढ़ने से बचा लिया तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट करा और मेरे अंदर से सारी भी जितनी भी नेगेटिविटी थी वो बाहर निकाल दी और वो उसे थैंक करता है कि थैंक यू तुमने मुझे रैट ट्रैप में फंसने से बचा लिया और विद दिस वो लेटर को एंड कर देता है और लास्ट में वो लिखता है कैप्टन वॉन्स टेल तो इसमें हमें चैप्टर में पेडलर का रियल नेम नहीं, नहीं बताया उसने एंड में कैप्टन वॉन्स टेल से ही साइन करा क्यों क्योंकि उसको एडलर ने कैप्टन की तरह ट्रीट करा तो एट दी एंड उसने भी कैप्टन की तरह ही रिस्पॉन्ड करा तो देखो आप एक सड़क छाप इंसान को भी अंदर की जो अच्छाई थी वो किसने जगह एडलानी और जो हमारी राइटर है जो स्टोरी राइटर है उनकी जो मैसेज था वो सच हो गया कि अगर हम चाहे तो किसी के अंदर की भी अच्छाई बाहर निकाल सकते हैं और जब हमारे पेडलर को कैप्टन की तरह चीट हुआ तो उसने भी रिस्पॉन्स वैसा ही करा उसने भी जो चोरी के पैसे थे वो रिटर्न कर दिए एंड ही थैंक्ड एडला कि उसने उसको रैट ट्रैप में फंसने से बचा लिया तो विद्यस आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है एंड इस चैप्टर में ऐसे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना एंड आपको अगर कोई और चैप्टर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ली लीज गिविन इंग्लिश कैन गो एंड स्टडी इंस्टाग्राम आई डी का मैंने बता दिया सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे सू है एनी क्वेरीज आसमिना उन इन द कमेंट सेक्शन अब हम मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना सो थैंक यू Thank you so much for watching this video. Again, I'll meet you in the next video. Bye bye.